फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो कंटिन्यूसली और वहां पे आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, तो इसका मतलब ये निकल के आता है या तो आप उस काम में बिगिनर हो या फिर आप कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हो जो कि आपको अब भी सुधारनी चाहिए। इसलिए आज के इस वीडियो का टॉपिक भी यही है, मैं आपको बताऊंगा कौन सी आप मिस्टेक्स कर रहे हो ऑन इंस्टाग्राम रील्स जिसको आपको अभी सुधारना चाहिए। तो चलें लेट्स गो। तो बढ़ते हैं हम अपनी पहली मिस्टेक की तरफ जो कि सबसे बड़ी और आपकी सबसे पहली मिस्टेक रहती है, विच इज आप किसी को भी देखकर अपनी इंस्टाग्राम रील्स को स्टार्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल कर रहे हो और आपके सामने एक रील आती है जिसमें होता क्या है कि एक पर्सन हाथ में मोबाइल पकड़कर मिरर के सामने लिपसिंग कर रहा है और आपने देखा इसको तो अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, तो आप उससे काफी ज्यादा मोटिवेट हुए और आपने सोचा यार ये तो बड़ा आसान है, फोन पकड़ के मिरर के सामने गाना ही तो गाना है और अच्छे खासे फॉलोअर्स और हम कहीं पहुंच जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। बेसिकली अगर आपने उसको देखा तो उसमें कुछ आर्ट है इसलिए उसकी वीडियोस वायरल हो रही हैं, उसमें कुछ है ऐसा जो लोग उसमें पसंद कर रहे हैं। अगर आप में वो चीज है ऐसी, आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये मैं काम कर सकता हूँ, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज किसी को देखकर अपनी रील्स को स्टार्ट कभी मत करना। आपको अपने अंदर देखना है कि मैं क्या दिखा सकता हूँ लोगों को, आप में क्या टैलेंट है। आप अपने टैलेंट को बाहर निकाल सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम रील्स। और हम इस सारे के सारे प्रोसेस को बोलते हैं कैटेगरी निश। सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पर एक निश डिसाइड करनी होती है। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि मैं कौन सी निश को डिसाइड करूं, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। बेसिकली आपको इंस्टाग्राम रील्स ही स्क्रॉल करते जाना है, जो जो आपके सामने आता है और आपको लगता है कि ये तो मैं भी कर सकता हूं, तो फिर करके दिखा दो। और जिस चीज में आपको करने में मजा आ गया और अच्छे रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिले, फिर समझ लो आप बने ही उस काम के लिए हो। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक, आप किसी को भी अपनी इंस्टाग्राम रील्स को सेंड कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक रील बनाई फोटोग्राफी के रिलेटेड, आपकी निश है फोटोग्राफी, तो आपने क्या किया सबको कर दी सेंड, आपके चाचा के मामा के सब लड़कों को सेंड कर दी, सारे लोगों को सेंड कर दी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, सारे के सारे लोगों को तो फोटोग्राफी पसंद नहीं है ना, तो इसलिए आपको उन्हीं लोगों को अपनी रील्स को सेंड करना है जो कि फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हैं, जो कि आपकी वीडियोस देखें। इससे होता क्या है, जिनको नहीं पसंद वो तो सिर्फ एक सेकंड या दो सेकंड के लिए आपकी वीडियो देखेंगे, उसके बाद तो वो लीव कर जाएंगे ना। तो इसलिए आपको अपनी रील किसी को भी सेंड नहीं कर देनी है, आपको सिर्फ गिने चुने लोगों को ही सेंड करनी है जो कि इंटरेस्टेड है आपकी नीच में। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, अगर आपको दिखाना है या अपनी क्रश प्रश को कि मैं ऐसी रील्स बनाता हूं, तो आपको करना कुछ भी नहीं है। बेसिकली अपने रील को इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाओ, सब देख लेंगे। थर्ड मिस्टेक जो कि काफी ज्यादा कॉमन है, अक्सर मुझे देखने को मिलती रहती है, जब आप कंटिन्यूअसली काम करते रहते हो इंस्टाग्राम रील्स या किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो एक समय आता है कि जब आपको लगता है कि अब ये मुझसे नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे आपका शैतानी दिमाग जागता है। आप क्या करते हो, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करते हो या थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज करते हो टू इंक्रीज योर फॉलोअर्स एंड व्यूज, जो कि सबसे बड़ी गलती बेसिकली। एंड कुछ लोग तो स्पैम ही करने लग पड़ते हैं, लोगों के कमेंट्स में जाएंगे और वहां पे लिख डालेंगे गाइस हमने एक रील अपलोड कर दिया, प्लीज जाकर के देख लीजिए। ऐसा क्यों करना, पहले आप ये बताओ। आपका ध्यान सिर्फ आपके कंटेंट के ऊपर होना चाहिए। अगर आपने सोच ही लिया कि इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर पॉपुलर बनना है, तो आपके मन में सिर्फ ये होना चाहिए कि अगर मैं रील्स अपलोड कर रहा हूँ तो देखने वाले को आपसे क्या सीखने को मिलेगा या क्या वैल्यू प्रोवाइड आप कर सकते हो अपनी ऑडियंस को, ना कि आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी वेबसाइट का सहारा लेकर अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज करना चाहिए। और हाँ, इससे आपकी इंस्टाग्राम आईडी पर भी इफेक्ट पड़ता है, इंस्टाग्राम आपकी रीच वगैरह डाउन कर देता है और ये मेरे साथ हो चुका है। फोर्थ गलती जो कि आपको पता भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, इंस्टाग्राम अब सर्च इंजन प्लेटफॉर्म बन चुका है, आप वहां पे सर्च करके भी अपने कंटेंट को फाइंड कर सकते हो। और इसके लिए आपको अपने कंटेंट का एसईओ करना पड़ेगा, विच इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इससे होगा क्या, अगर आपने अपने कंटेंट का एसईओ किया होगा तो आपका कंटेंट पूरी लिस्ट में रैंक करेगा, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता। आपको राइट कैप्शन के साथ राइट हैशटैग का यूज करना है। ऐसा मत करो कि आपकी रील है मोटिवेशन के रिलेटेड और आप वहां पे उल्टे सीधे हैशटैग लगा रहे हो लाइक हैशटैग नरेंद्र मोदी या कुछ और, ये ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आपको उसी रील के रिलेटेड अपने हैशटैग को लगाना है, बिल्कुल भी फालतू हैशटैग लगाने नहीं है। बेसिकली आपको सिर्फ 3 या 4 हैशटैग का ही यूज करना है, जो कि इंस्टाग्राम ने खुद अनाउंस कर दिया है। ज्यादा हैशटैग लगाने से इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कंफ्यूज हो जाता है, तो इससे आपको बचना होगा। फिफ्थ एंड लास्ट मिस्टेक जो कि अगर आप फिर से दोहराओगे तो आप शायद ही कभी इंस्टाग्राम के सफल हो पाओगे, तो करना आपको कुछ भी नहीं है। बेसिकली आपको इंस्टाग्राम के ऊपर अवेयर रहना है, क्योंकि जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम कर रहे हो आपको उसके बारे में जानना चाहिए कि कौन से न्यू अपडेट्स आ रहे हैं, कब कौन सी चीज नहीं आ रही है इंस्टाग्राम में, क्योंकि इंस्टाग्राम दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया फीचर लॉन्च करता रहता है। उससे होता क्या है, जब नया फीचर कोई आता है इंस्टाग्राम में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वो पहले टेस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं बीटा वर्जन। तो जब वो चीज इंस्टाग्राम में टेस्ट करी जाती है तो ऑब्वियसली वहां पे लोगों को ज्यादा बूस्ट मिलता है, इसका आपको जल्दी से एडवांटेज लेना चाहिए। रिसेंटली इंस्टाग्राम ने रिमिक्स का नया फीचर लॉन्च किया था जो कि लेआउट फीचर है, और उससे काफी ज्यादा क्रिएटर को हेल्प मिली है, इनफैक्ट मुझे भी मिली है, मैंने भी अपने इंस्टाग्राम पेज को एक को ग्रो कर लिया है। तो कुल मिलाकर बात यहां
यहाँ पे आती है कि आपको इंस्टाग्राम के ऊपर अवेयर रहना चाहिए। और ये पता कैसे लगेगा कि कौन सी चीज़ नहीं आ रही है, आपको दिन प्रतिदिन अपने इंस्टाग्राम अपडेट को चेक करना चाहिए। और इंस्टाग्राम के ऊपर एक पेज है क्रिएटर्स के नाम पर, आपको सर्च करके उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। वहाँ पर आपको स्टोरीज में जाकर काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी जिसको आपको यूज़ करना है। वैसे मुझे कई सारे लोग बोल रहे थे कि हमें अभी तक रिमिक्स का फीचर देखने को नहीं मिला है, तो उनको मैं बता दूं पहले तो अपडेट कर लो, अगर कर लिया है तो प्ले स्टोर में जा करके आपको इंस्टाग्राम के नीचे ठीक नीचे ज्वाइन बीटा का ऑप्शन दिखेगा, इजीली आपको ज्वाइन कर लेना होगा और कुछ दिनों के बाद आपको रिमिक्स का फीचर देखने को मिल जाएगा। वैसे अगर जानना चाहते हो कि कैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज को ग्रो किया रिमिक्स फीचर की हेल्प से, तो ये वाली वीडियो देख सकते हो। ओके बाय।